नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी वेयर वी आर डिस्कसिंग सम वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन. दोस्तों, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. दोस्तों, इस वर्ड से हम आम तौर पर इसको सुनते हैं जब भी बैसल नॉर्म्स की बात होती है, मगर बैसल नॉर्म्स के बताने के पहले मैं आपको बता दूं इस शब्द का मतलब, और उसी से आप बहुत कुछ चीज समझ जाएंगे. तो देखिए, यहां पे ये शब्द क्या बता रहा है, एडिक्वेसी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एडिक्वेसी, दैट इज सफिशियंट. नाउ व्हाट यू शुड हैव इन सफिशियंट और इन अबंडेंट अमाउंट, That is capital, पैसा. यहां पे मतलब है कैपिटल से पैसा. आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए, आपका मतलब यहां पे है बैंक्स के पास. अब यहां पे एक रेशियो भी लगा हुआ है, मतलब कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए किसी रेशियो में, मतलब कि किसी के प्रपोर्शन में. अब ये किसी का जो आएगा वो आएगा रिस्क वेटेड असेट्स. हम इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखेंगे, मगर उसके पहले अब मैं आपको एक दूसरी चीज पे लेके चलता हूं, दैट इज अबाउट द असेट्स एंड लायबिलिटीज. यहां पे बैंक्स है, हम असेट लायबिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, मगर फिर भी जस्ट फॉर द रिवीजन, बैंक जो लोन्स देती हैं, दीज आर द असेट्स ऑफ बैंक्स. हम जो डिपॉजिट्स बैंक में देते हैं, दीज आर लायबिलिटीज ऑफ द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स को वो पैसा हमको वापस देना होता है. इसीलिए डिपॉजिट जो है वो लायबिलिटीज हो जाएंगी, जो लोन्स हैं वो असेट्स हो जाएंगे बैंक के, राइट? अब ध्यान से सोचिए दोस्तों कि बैंक्स ने जो ये लोन दिया है, ये किसके पैसे लेके दिए, हमारे? हम जानते हैं ये तो फिर क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है. इन्होंने किसके पैसे उठा के दिए, हमारे मालिया जैसे लोगों को. अब मान लीजिए कि बैंक ने गलती कर दी कि अंबानी की जगह दे दिया पैसा मालिया को, तो ये तो रिस्क हो गई हमारे पैसों पे. अगर मालिया पैसे लेके भाग गया तो हमको पैसे देगा कौन, राइट? इसी कारण से एक चीज यहां पे बनाई गई कि आप जितना भी लोन दे रहे हो उसके प्रपोर्शन में आपको कुछ पैसा रखना है, आपको कुछ कैपिटल रखनी है. वही चीज है एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल रखना किसी रेशियो में. किस रेशियो में? रिस्क वेटेड असेट्स में. जो असेट्स में आपका जितना रिस्क है, जो डिफॉल्ट हो सकते हैं, उतना आपको अपने पास कैपिटल बफर रखना है बेसिकली, ताकि आप इंसॉल्वेंट ना हो जाओ. तो दोस्तों, इस तरीके से बनता है ये फॉर्मूला. अब देखिए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है. ये है टोटल कैपिटल जितनी बैंक के पास है अपॉन में रिस्क वेटेड असेट्स. यहां पे मान लीजिए कि यहां पे बैंक्स ने इन तीन लोगों को लोन दिया हुआ है, अंबानी, मालिया और गवर्नमेंट. देखिए, गवर्नमेंट को लोन दिया है तो बिल्कुल ही सेफ है, अंबानी को अगर लोन दिया है तो इसमें थोड़ी सी रिस्क है. मान लीजिए जियो नहीं चला बिल्कुल भी, उसके बाद में अगर मालिया को लोन दिया है तो यह तो 100% डिफॉल्ट होने वाला है. तो इसी तरीके से दोस्तों, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्क रखी जाती है लोन के हिसाब से, लोन अमाउंट के हिसाब से, लोन किस सेक्टर को दिया है उस हिसाब से, और इस तरीके से इनका फिर फाइनल वेटेज नापा जाता है. इस चीज को बोलते हैं रिस्क वेटेड असेट्स. आपने जितने भी असेट्स हैं, जितने भी लोन्स दिए हुए हैं, उन पे कितना रिस्क है, ये पूरा आप यहां पे कर लेते हो. अब उसके बिहाफ पे आप देखते हो कि आपके पास टोटल कैपिटल आपको कितनी रखनी चाहिए. तो यही आप कैसे निकालते हो, और ये कैसे बैंक ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बेसिकली इन थ्री टीयर्स, टीयर वन, टीयर टू एंड टीयर थ्री. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये अमाउंट क्यों रखती है बैंक, अगेन भाई ताकि इंसॉल्वेंट ना हो जाए. हमने SLR पढ़ते हुए टाइम देखा था कि CRR तो फ्लो ऑफ मनी मेंटेन करने के लिए होता है, मगर SLR क्यों होता है, इंसॉल्वेंसी ना, इंसॉल्वेंट ना हो जाए बैंक. तो टीयर वन में SLR जैसे चीजें काम आती है, लिक्विड असेट्स जैसा कि हमने देखा था ना, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है SLR में. तो इस तरीके से टीयर वन होती है, और ऐसे ही फर्दर कुछ चीजें रख के टीयर टू में, जैसे कैपिटल इक्विटी रेशियो हो जाता है टीयर टू में, ऐसे टीयर थ्री में. तो इस तरीके से ये टोटल कैपिटल एक बफर स्टॉक मेंटेन रखती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बैंक्स अपने पास में, कि अगर यहां पे रिस्क आती है
तो ये डिफॉल्ट ना हो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए और ये दिवालिया घोषित ना हो जाए, ये लायबिलिटीज पूरी कर पाए और अपने पास ये कैपिटल मेंटेन रखती है। अब दोस्तों ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस प्रपोर्शन में मेंटेन होगा ये बताते हैं बैसल नॉर्म्स। बैसल कमिटी है बेसिकली, तो ये बैसल नॉर्म्स सेट करती है और ये बैसल नॉर्म्स करंटली हमारी जो बैंक है वो बैसल नॉर्म 3 फॉलो कर रही है। अब दोस्तों आपका सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि अभी करंटली हम कितने परसेंटेज ऑफ, ये मतलब कि टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स का कितना परसेंटेज हम रखते हैं और कितना रिकमेंडेड है, राइट? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो आप बताइए। उसी के बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बैसल नॉर्म है ये बेसिकली ये बताते हैं कि ये जो रेशियो है ये कितना परसेंट होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो टोटल कैपिटल है टू रिस्क वेटेड असेट्स ये कितना होना चाहिए, तो आप बैसल नॉर्म्स 3 के अंडर में आओगे। मतलब कि इसमें आप समझ पा रहे होगे कि जैसे जैसे बैसल नॉर्म्स में आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, मतलब कि आपकी बैंक की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट होने के बहुत दूर हो जाती है जैसे जैसे ये बैसल नॉर्म्स में ऊपर होती जाती है। तो बेसिकली ये होता है दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स हाउ यू लाइक दिस लेक्चर, द नेक्स्ट टॉपिक विच यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी, एंड ऑल्सो फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे हम माइंड मैप्स और करंट अफेयर्स डेली अपलोड कर देते हैं। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।